अगर आपको मेरी तरह फ्लावर से प्यार है और आप भी अपने गार्डन में बहुत सारी ब्लूमिंग दिखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अपने विंटर गार्डन को बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए आपको उसमें फ्लावरिंग बल्ब्स लगाने होंगे। सीड से भी आप बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बल्ब्स के जो फ्लावर हैं उनका लुक कुछ अलग ही होता है। तो आज इस वीडियो में उन बल्ब्स के बारे में ही डिटेल में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे चैनल प्लांट्स माई पीस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहला और सबसे खूबसूरत जो फ्लावर है वो है एमरस लिली। ये लिली का जो ये एक वेराइटी है ना, लिली के एक्चुअली सारे ही फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, बट ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट इसलिए भी है क्योंकि इसको आप आराम से इंडोर ग्रो कर सकते हैं। इसके बल्ब का साइज़ जितना बड़ा होता है उतना जल्दी और उतना हेल्दी इसके फ्लावर्स आते हैं। नॉर्मली अगर इसके बल्ब हेल्दी होते हैं और इसके बल्ब मेच्योर होते हैं ना, तो 1 वीक के अंदर ये फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर सकता है। इस फ्लावर की खास बात यह है कि अगर आप इसको ब्राइट एरिया में, ब्राइट सनलाइट एरिया में, एक छोटे पॉट में लगा देंगे इंडोर, जहाँ पर सनलाइट आनी ज़रूरी है, डायरेक्ट धूप में ज़रूरत नहीं है रखने की, तो भी ये बहुत अच्छे से ब्लूम कर देगा। इसको बिल्कुल ज़मीन पे उगाने की या बड़े बड़े पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एस्टरेशिया फैमिली से बिलोंग करने वाला हमारा नेक्स्ट फ्लावर है डालिया। डालिया के जो प्लांट हैं वो भी बल्ब या ट्यूबर से ग्रो होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन में ये प्लांट आता है, बहुत ही प्यारा। अगर आप विंटर गार्डन की शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले यही प्लांट अट्रैक्ट करने वाला है। तो तब तक वेट करने से बेटर है आप अभी ट्यूबर अरेंज कीजिए, अभी इसके बल्ब्स अरेंज कीजिए और इसको ग्रो कर लीजिए। मार्केट में इसकी इतनी सारी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं कि आपके लिए डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप कौन सा लें और कौन सा छोड़ दें। डालिया के या किसी भी बल्ब के या किसी भी ट्यूबर्स के जो भी प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके ट्यूबर या बल्ब रॉट हो जाएंगे, वो सड़ जाएंगे और आपको उसके बाद उस बल्ब का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसको वेल ड्रेन सॉइल में यूज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे आपके नेक्स्ट सीजन के लिए भी डबल ट्रिपल होते रहेंगे। हमारा जो थर्ड प्लांट है वो है साइलेमन। साइलेमन के जो फ्लावर्स हैं वो पिंक, वाइट, पर्पल बहुत सारे कलर्स में आते हैं और सब इंडोर प्लांट्स की तरह इसको भी ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ओवर वाटरिंग से इसके भी बल्ब बहुत जल्दी रॉट हो जाते हैं, बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। तो इसलिए खासकर आप अपने सभी बल्ब वाले प्लांट्स में, फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में पानी का बहुत ध्यान रखिए, ओवर वाटरिंग से बचिए। मैं तो कहती हूँ किसी भी प्लांट में, नॉर्मली भी किसी प्लांट में। इस प्लांट की खासियत यह है कि अगर इसमें फ्लावरिंग ना भी हो तो इसकी लीव्स इतने खूबसूरत है कि आपको फ्लावरिंग की कमी कभी नहीं होगी। ये एक इंडोर प्लांट है या आप इसे एक प्रॉपर सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। डैफोडिल्स भी एक विंटर फ्लावर है। डैफोडिल्स के भी बल्ब्स और ट्यूबर्स लगते हैं और इसमें इतनी सारी वेराइटीज़ हैं, इतनी सारी वेराइटीज़ हैं कि अगर आपने एक बार कोई वेराइटी खरीदी है नेक्स्ट टाइम आपको सेम वेराइटी मिले ज़रूरी नहीं है। इसलिए इस फ्लावर को ग्रो कीजिए और इसके जितने हो सके उतने बल्ब्स, उतनी वैरायटी इकट्ठी कीजिए क्योंकि वो अपने आप ही मल्टीप्लाई होते रहेंगे। इसकी जो बेडिंग होती है, जो प्रॉपर एक आप अपने गार्डन को भर सकते हैं ना, लेट विंटर से लेकर स्प्रिंग तक इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग आती है। बहुत जब तक थोड़ा टेम्परेचर 20-30 डिग्री तक भी रहेगा ना, तब तक भी इसमें ब्लूमिंग आपको देखने मिलेगी। तो इस फ्लावर को भी अपने गार्डन में इंक्लूड कीजिए, ये आपके गार्डन में बहुत सारी खूबसूरती और बहुत हल्की हल्की फ्रेगनेंस भरने वाला है। मैं भी इस बार अपने गार्डन में इनमें से कई सारे बल्ब्स इंक्लूड करने वाली हूँ। नेक्स्ट हमारा जो फ्लावर है वो है रेनुनकुलस का। रेनुनकुलस के जो फ्लावर्स होते हैं वो रोज़ जैसे लगते हैं, इतने गुते गुते बिल्कुल रोज़ जैसा लुक देते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप अपने गार्डन में इसे भी इंक्लूड करते हैं तो ये एवरग्रीन है। एवरग्रीन इन द सेंस कि जब इनके जो बल्ब्स होते हैं ना, वो मतलब आपके जो फ्लावर्स हैं सूख चुके हैं, उनका सीज़न जा चुका है, तो आप उस बल्ब को उस प्लांट के सूखने तक नहीं निकालिए, उसको मिट्टी में ही दबे रहने दीजिए। और जब वो प्लांट पूरा सूख जाए तो आपका जो बल्ब है वो सारा न्यूट्रिशन प्लांट का अपने अंदर स्टोर कर लेगा, थोड़ा मैच्योर हो जाएगा और नेक्स्ट सीजन में आप उसको फिर से ग्रो कर सकते हैं। तो इस फ्लावर के, इस प्लांट की वेराइटी के जितने हो सके उतने कलर्स कलेक्ट कीजिए। आप एक बार एक बल्ब ले आइए। देखिए, हर बार मुझे भी पता है कि बल्ब थोड़े से कॉस्टली होते हैं। कोई कोई बल्ब हैं जो आपको 20 रुपीज़ में मिलते हैं, कोई 30 में, कोई 50 में, कुछ कुछ तो 100-200 की रेंज में भी जाते हैं। चलिए अब एक और बहुत खूबसूरत फ्लावर की बात करते हैं, गलाडियोलस। एक कट फ्लावर है। आपने बुकेज वगैरह में इस फ्लावर को कभी नोटिस किया होगा। इसमें इस तरीके से फ्लावरिंग आती है जो पूरी स्टेम ही आपकी फ्लावर से भरी होगी। अनियन जैसे इसके जो बल्ब्स होते हैं ना, उनको ग्रो करने पर आपको जो फ्लावर्स मिलेंगे उनके जो कलर्स होंगे, लेकिन मानिए अनियन के आंसू अलग होते हैं।
इसके फ्लावर्स की खूबसूरती देखकर जो खुशी वाले आंसू है ना, वो कुछ अलग ही होंगे। तो इस फ्लावर को अपने गार्डन में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप एक अच्छे गार्डनर हैं तो अपने सीड्स को, अपने बल्ब्स को कलेक्ट करना शुरू कीजिए। एक ही प्लांट को मल्टीप्लाई करके अपने गार्डन को भरिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार नया प्लांट खरीदें। अगर आप सीड्स या बल्ब से अपने प्लांट ग्रो करते हैं ना, तो आपके प्लांट की कलेक्शन भी बढ़ेगी और आपका जो गार्डन में इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा फ्लावर है वो है इरिस या आइरिस का फ्लावर। ये फ्लावर बहुत प्यारे कलर्स में आता है। इसका पर्पल कलर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फ्लावर है। ये एक सन लविंग फ्लावर है। इसको आप डायरेक्ट धूप में रखिए, ये पूरे दिन की धूप आराम से बर्दाश्त करता है और बहुत अच्छे से बहुत ब्यूटीफुल कलर्स में ये ब्लूम करता है। इसके बल्ब या ट्यूबर को भी आप विंटर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अभी से खरीद सकते हैं या अपने शॉपिंग लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ही टेम्परेचर 20-30 डिग्री पहुँचेगा, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा गिरना शुरू होगा, आप अपने बल्ब्स को ग्रो करना शुरू कर दीजिए। एक और ख़ास बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि हर ट्यूबर या बल्ब को ग्रो करने के लिए हमें वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, वो आपको पानी देना है। ऐसा नहीं है आपने एक बार पानी दिया और उसके बाद आप भूल गए। अगर आपका बल्ब मॉइस्चर नहीं पा पाएगा, अगर आपके बल्ब में मॉइस्चर नहीं होगा, आपकी मिट्टी हर वक्त थोड़ी थोड़ी सी मॉइस्ट नहीं रहेगी, हल्की हल्की गीली नहीं रहेगी, तो आपका जो बल्ब है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, वो स्प्राउट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए वेल ड्रेन सॉइल को मॉइस्ट रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है ट्यूलिप का फ्लावर। ये फ्लावर मैंने आज तक ग्रो नहीं किया है, बट मैं एक बार इसे ग्रो करने का ट्राई ज़रूर करना चाहती हूँ। ये जो फ्लावर है वो बहुत मॉइस्चर और बहुत ठंडा वेदर चाहता है, बहुत ठंडा वेदर, इतना कि कभी कभी आपका जो आइस कोल्ड एरियाज़ होते हैं ना, स्नोफॉल वाले एरिया, वहाँ पर तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। पर दिल्ली की सर्दी भी कुछ कम नहीं है। जो दिसंबर वाली, जो जनवरी वाली जो ठंड है ना, उस टाइम पर ये फ्लावर्स बहुत अच्छे से ब्लूम कर सकते हैं। तो मैं एक बार इस फ्लावर को ग्रो करने का ज़रूर ट्राई करूँगी। इसकी फ्रेग्रेंस कहते हैं बहुत अच्छी होती है, मुझे ये फ्लावर पर्सनली बहुत अट्रैक्ट करता है, तो इस बार मैं भी ट्राई करूँगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट फ्लावरिंग बल्ब है क्रोकस। क्रोकस वो चीज़ है जो हम और आप सब जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ केसर के फ्लावर की। केसर कितना कॉस्टली होता है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि केसर के जो फ्लावर्स होते हैं, एक बल्ब से जो ये फ्लावरिंग होगी और इन फ्लावर के बीच में जो छोटा सा केसर के जो ये रेशे आते हैं, इससे केसर बनता है। अगर इतनी मेहनत के बाद इतना छोटा सा, इतना टाइनी सा पार्ट मिलेगा, इतने सारे फ्लावर्स में से हार्डली 100-200 ग्राम फ्लावर्स में से जो आपको ये केसर मिलता होगा, वो कितना कॉस्टली होगा वो बनता है। अगर आपको थोड़ा बहुत केसर चाहिए ना, तो भी इस प्लांट को अपने घर में ग्रो करने की कोशिश कीजिए। हार्ड जो लेट विंटर होती है, जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर आप इसे ग्रो करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा। वैसे ये स्नो एरिया में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट प्लांट है स्नो ड्रॉप। स्नो ड्रॉप के फ्लावर की खासियत यह है कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही होती है जिन एरियाज़ में, ये उतनी बर्फ़ में भी या उतनी तेज़ ठंड में भी ब्लूम करना नहीं छोड़ता है। तो अगर आपके यहाँ थोड़ी कम ठंड है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि इसको स्नोफॉल ही चाहिए, इसको ठंड ज़्यादा चाहिए, इसको टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, तो जो दिल्ली की या नॉर्मली किसी भी एरिया की जो दिसंबर जनवरी वाली जो ठंड होती है, जो बहुत ज़्यादा वाली ठंड होती है, उसमें ये फ्लावर्स बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं, जो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट प्लांट है बेगोनियाज। बेगोनियाज बहुत ही हार्डी प्लांट है। मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है। इसके लीव्स का कलर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ब्लूमिंग ना भी हो तो लीव्स ही आपको अट्रैक्ट कर देंगे। इस प्लांट को आप नॉर्मल विंटर में, नॉर्मल टेम्परेचर में, आपको स्नो वाली ठंड नहीं चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत सारे कलर ऑप्शंस में आता है, बहुत अट्रैक्टिव लुक होता है इस फ्लावर का। इस प्लांट के बल्ब भी ज़रूर इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट हमारा प्लांट है फ्रेशिया का। फ्रेशिया के जो फ्लावर्स होते हैं ना, उसमें एक ही फ्लावर में, एक ही स्टेम के अंदर बहुत सारे बर्ड्स या बहुत सारे फ्लावर्स उगते हैं, जो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। कुछ रजनीगंधा वाली फीलिंग आती है इस फ्लावर को देखकर। इस फ्लावर में भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये भी बुके वगैरह में यूज़ होता है। देखिए बहुत सारे जो बल्ब वाले फ्लावर्स हैं ना, वो कट फ्लावर्स होते हैं। कट फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जो बुके में या वेडिंग डेकोरेशंस में काम आते हैं, और कभी आप किसी वेडिंग में जाकर फ्लावर्स की डेकोरेशन देखेंगे तो आपको अपने आप एक अट्रैक्शन फील होता है। कोई आपको बुके देगा तो उन फ्लावर्स का लुक कुछ अलग ही होता है। चलिए, मुझे लगता है कि अब तक तो आपने कुछ तो फ्लावर्स के नाम लिख लिए होंगे जो आपके नेक्स्ट शॉपिंग लिस्ट में आने वाली है। अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप फ्यूचर में ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करके मोटिवेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।